Hi, I'm Rajesh Khattar, voice of Tony Stark, the Iron Man, and I love you 3000. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। हर कलाकार की जो पहचान होती है उसकी आवाज से और उसके कहने के अंदाज से होती है, और उसमें जो सबसे ज्यादा कलाकार पॉपुलर है वो है राजेश खट्टर जी, मेरे साथ बैठे हैं इस समय। वेलकम टू जॉइनफिल्म्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अभी तक जितने भी हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, हिट हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, उसमें से बहुत सारी ज्यादातर फिल्मों में जो आपने आवाज सुनी है या उस फिल्म को आप पहचान पाए, समझ पाए उसकी गाने को, उसकी वजह उसके पीछे यही आवाज है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं सर आपने। थैंक यू। एक कलाकार के तौर पर जी, आप एक्टिंग में और वॉइस एक्टिंग में क्या फर्क देखते हो? वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग में सबसे बड़ा फर्क ये है फिजिकैलिटी का। आराम से बैठ के डब कर सकते हैं। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उछलना कूदना सब आपको खुद करना पड़ता है, और जब आप डबिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ को उछलना कूदना पड़ता है। तो ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है, ये चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग है, ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू गेट इन टू द फ्लो ऑफ दैट कैरेक्टर। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि मैं जब डब कर रहा होता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि उस वक्त कलाकार जो कर रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर है, उस वक्त उसके जहन में क्या था, क्या सोच के कर रहा था और क्या उसकी मंशा थी, ओके okay. तो वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बाकी काम आसान हो जाता है। क्योंकि एक बार आपने अगर वो समझ लिया तो ऑब्वियसली नेचुरली उसी फ्लो में निकलता है आपका। इट मीन्स ये हुआ कि एक्टर भी जिस तरह से करेक्टराइजेशन को समझता है, करेक्टर को समझता है, उसी तरह से इसका भी प्रिपरेशन होता है। 100% ओके, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप कैरेक्टर को बिना समझे करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो मतलब एलियन कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब और जो बेचारा जिसने ओरिजिनल किया है उससे कहीं मुख्तलिफ, कहीं अलग हो जाएगा और अलग ही चीज निकल के आ जाएगी। वो हमारी कभी भी इच्छा नहीं होती। दैट इज नॉट द पर्पस। ओके, कई लोग आपको सिर्फ आवाज से पहचानते हैं, है ना, तो ये बड़ी एक अचीवमेंट भी होती है कि आवाज आपकी पहचान बन जाए, और एक्टर की, सिंगर्स की तो होती है लेकिन एक्टर की हो जाए। जितनी भी आपने की है अभी तक करेक्टर, वो कौन कौन से थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे ताकि वो समझ पाए, कनेक्ट कर पाए। अभी अच्छी बात ये है कि अभी तक तो सिर्फ आवाज से लोग पहचानते थे, लेकिन अब आप लोगों की वजह से लोग शक्ल से भी पहचानने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद एक्टर हूँ तो उसकी भी एक लीवे और एक एडवांटेज मिल जाती है मुझे, क्योंकि लोगों ने रिलेट करना शुरू कर दिया है कि ये एक्टर डबिंग भी करते हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल है डबिंग का, किन किन कैरेक्टर्स की है, जिसमें से बहुत सारे बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, ऑब्वियसली आयरन मैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, टोनी स्टार्क, वो पूरे 11 साल मतलब 8 या 9 फिल्में जो भी हैं सारी मैंने पूरी सीरीज मैंने की है। देन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, कैप्टन जैक स्पैरो, जॉनी डेप, वो मेरी आवाज़ है। उसके अलावा निकोलस केज, घोस्ट राइडर्स 1, 2 एंड ऑल, एंड देन ब्रैडली कूपर, देन टॉम हैंक्स, और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्में भी हुई थी, द विंची कोड, एंजल्स एंड डीमन, ये सब फिल्में थी। एंड एनिमेशन में श्रेक है, माइक मायर्स उसका किया है। क्रूड्स में मतलब मेन आवाज़ मेरी है, सीरियसली याद नहीं है, याद नहीं है। काफ़ी आवाज़ें दे चुके हैं, और तो इतनी डबिंग, इतनी वॉइस एक्टिंग करी कि अभी याद भी नहीं है कि कितने करेक्टर हो चुके हैं। जी हाँ, आप एक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप वॉइस एक्टर भी हैं, तो ये तीनों जगह आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? जो बिजनेसमैन मैं हूँ वो तीनों को बिठा देता है। ओके, नहीं नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कंपनी भी है, एक चीज आप भूल गए। ओके, राइटिंग, एक्टिंग, वॉइसिंग के अलावा आई रन अ कंपनी आल्सो, जो मेरा अपना। लेकिन इनको बिठाया कैसे जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से, उसी चीज से जुड़ी हुई है सारी चीज़ें। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो मतलब एक्टिंग भी हिस्सा जो है, वॉइसिंग एक्टिंग का ही हिस्सा होती है। राइट, बच्चन साहब देखिए कहाँ आवाज़ से किधर, और राइटिंग भी उसी का हिस्सा होती है। अगर आप जब टेलीविजन पे कर रहे हैं या फिल्म पे कर रहे हैं या वेब में कर रहे हैं, लिखेंगे तो बनाएंगे, जब लिखा होगा तभी एक्टर एक्टिंग करेगा। राइट, सो फिर वो भी उसी का हिस्सा है। सो दिस इज ऑल अंडर वन रूफ सब कुछ है। तो जैसे जैसे मौका मिलता गया, जैसे जैसे लोगों ने कहा कि ये करिए या वो करिए, और अपना खुद ब खुद एक रास्ता बनता चला गया। क्योंकि जब मैंने राइटिंग शुरू की और लोगों को पसंद आई तो वो राइटिंग शुरू हो गई, वरना वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती। राइट राइट। और वॉइसिंग जो जितने फैंस हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, हमेशा कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आवाज़ पसंद करते हैं और इतनी
इतनी इज्जत देते हैं. थैंक यू सो मच. कोई भी परफॉर्मर होता है वो सोचता है मुझे टीवी में काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, फिल्मों में काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बॉलीवुड में काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. हॉलीवुड का तो सोचता ही रह जाता है, लेकिन आप सब जगह काम कर पा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है. मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं मैंने, मतलब नॉट ओनली हॉलीवुड, मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में समझिए कि ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इवन यूरोपियन सिनेमा. सो आई वॉज लकी इनफ टू गेट वर्क एज एन एक्टर वहाँ पे. और ऑब्वियसली मतलब हमेशा एक आर्टिस्ट की मंशा तो यही रहती है ना कि मतलब एक आर्टिस्ट का एक्चुअल काम क्या होता है, टू रीच अक्रॉस टू द ऑडियंस. राइट राइट. सो अब जितनी ऑडियंस मिल जाए, जहाँ 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 मिल जाए उतनी काम मिलती है. और वर्ल्ड वाइड है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, लोगों ने तो बहुत बहुत काम किए हुए हैं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, एंड आई वुड लव टू डू इट. राजेश जी, जब हम यहाँ एक्टिंग करते हैं इंडिया में, तो यहाँ का एक्टिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है, हॉलीवुड का स्टाइल अलग है, तो जब आप उनको डब करते हैं तो दिक्कत आती है, वो समझ जाते हैं आपकी उसको कैसे करना है, क्योंकि दोनों का स्टाइल अलग है, एक्सप्रेशन नहीं. अगर आपका एक्सपोजर है उस लाइफ को, मतलब लाइक इफ यू डू अंडरस्टैंड द अमेरिकन लाइफ एंड इफ यू डू अंडरस्टैंड द वेस्टर्न लाइफ एंड यूरोपियन लाइफ, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है. क्योंकि आप वो उनका idiom समझते हैं, उनके जोक्स समझते हैं, उनकी जितना एक्सप्रेशन है ऑफ इमोशंस वो समझते हैं. कि हम लोग कभी हो सकता है कि हम अगर यहाँ पे होता है कि किसी के मरने के सीन में हाय क्या है ना, और उनके आंख से आंसू टपक रहा होता है, दे आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव. बट दुख एक कॉमन इमोशन है जो दोनों में है, एक्सप्रेस कैसे भी आप करते हैं. तो अगर आप एक्सप्रेशन सीख लें कि वो एक्सप्रेशन उनका अलग है और ये अलग है, ये बात समझ जाएं, तो फिर काम आसान हो जाता है. आपको लगता है कि एक्टर के लिए, अगर वो वॉइस एक्टर भी बनता है या डबिंग भी करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिंग भी एनहांस होती है, फर्क पड़ता है? यस, ओके, इट डज. ओके, इट डज. क्योंकि आप मतलब विरला ही होता है कि शायद ना समझ पाए किसी के साथ नहीं होता होगा, लेकिन नॉर्मली होता ही है. क्योंकि आप सडनली मतलब क्योंकि इतनी बारीकी से करनी पड़ती है, एक एक लफ्ज़ के साथ करनी पड़ती है डबिंग, आप समझ जब वो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाती है कि जब आप कैमरे के सामने हों तो फिर ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए, और जो नहीं होनी चाहिए वो भी समझ में आ जाता है. अब जब एंटरटेनमेंट ग्लोबली हर लैंग्वेज में डब किया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, वेब के आने से बहुत बढ़ गई. तो आपको लगता है एक्टर्स के लिए एक नया मौका है सर्वाइवल के लिए, और बेटर ऑप्शन है करियर के लिए? सर सर्वाइवल छोड़िए, थ्राइव करने का मौका है. तो मतलब लाइक अभी विद द काइंड ऑफ अभी ओपनिंग्स जो हुई हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो वॉइसिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, क्योंकि ये दिस इट्स अ वास्ट स्पेक्ट्रम ना. अभी तो मतलब वेब ने इतना रास्ता खोल दिया है कि हर किस्म में. और दूसरा क्या है कि आप जहाँ तक वॉइसिंग का सवाल है, तो आज आज टेलीविजन पे, आज वेब में, आज सिनेमा में, आज इवन इन डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल, एक नहीं कई जबानों में डबिंग होती है. राइट, करेक्ट. सो सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश से हिंदी वाले, मतलब चाहे तेलुगू है, तमिल है, बंगाली है, मतलब सबके लिए डबिंग आर्टिस्ट के लिए इतना काम है उसमें, प्लस एक्टर के लिए. अब क्या है कि बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ वेब, अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है. अब आपके जो प्रोडक्ट में जितना दम है, आपको उस हिसाब से ऑडियंस मिल जाएगी. क्योंकि प्लेटफॉर्म की चिंता जो हुआ करती थी ना कि कहाँ दिखाएंगे, वो चिंता खत्म हो गई. अब बहुत प्लेटफॉर्म है, अब बहुत प्लेटफॉर्म है, अब वो चिंता खत्म हो गया. अब आईबॉल्स का मामला है, अब आप अपना काम करके दिखाइए ताकि लोग आए और आपका काम देखें. राइट, थैंक यू राजेश जी. थैंक यू, थैंक यू सो मच. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है.